मीडिया के साथियों को नमस्कार प्रणाम। साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओर से बैठे जीतू पटवारी जी, राजीव सिंह जी, उपेंद्र गुप्ता जी, आभा सिंह जी, जितेंद्र मिश्रा जी, अन्य सभी पदाधिकारी। पेपर खराब करने की पद्धति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय अनुसार सभी राज्यों के मुख्यालय में AICC के प्रतिनिधि के रूप में वक्ता उपस्थित हुए और उन्होंने हाल ही में पारित, आपत्तिजनक तरीके से पारित ये तीन किसानों के संदर्भ के काले कानूनों की जानकारी साझा करने का निर्णय लिया। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ हमारे साथी को आना था, लीडर को आना था, वो निजी कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए, मुझे उनके साथ आना था तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं जीतू जी और उनके टीम के साथ। विदित है कि ये तीन कानून अध्यादेश के माध्यम से पहले लाए गए और कानून के रूप में लोकसभा राज्यसभा में पारित हुए। संविधान और संविधान की व्यवस्था के प्रति वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों का क्या दृष्टिकोण है, ये राज्यसभा में मत अपना व्यक्त करने के अधिकार से भी चुने हुए संवैधानिक प्रतिनिधियों को बाधित किया गया, रोका गया और ध्वनि मत से राज्यसभा में इस बिल को पारित करते हुए दुर्भाग्य से हम सबको देखना पड़ा। प्रजातंत्र की ये स्थिति जिन प्रधानमंत्री के अगुवाई में देश में बनी हुई है, उन्होंने देश को जो दिया अपने कार्यकाल में, नोटबंदी, GST कानून लागू करने की प्रक्रियाओं से अर्थव्यवस्था को गहरा आघात, सीमा पर देश में तो हमने चीन के प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ झूला झूला और हमारी सीमाओं में क्या स्थिति है आज हम सबके बीच में उजागर है, विद्यमान है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश की तो कोई सीमा ही नहीं, चीन के कब्जे में गई है और चीन के प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये कहने का अवसर देते हैं कि भाई वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं लिया, तो आपत्ति किस बात की हो रही है, बात किस बात की हो रही है। ये ऐसे ये देश चल रहा है और ऐसे चलते हुए देश में किसानों के संदर्भ में, उपभोक्ताओं के संदर्भ में ये तीन कानून आए हैं। एक है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, ये एग्री मार्केटिंग के संदर्भ में। दूसरा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और तीसरा फार्म सर्विसेज बिल एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल रिलेटिंग टू कमोडिटीज। ये तीन बिल आए और कोई भी कानून लागू होता है, कोई भी बिल लाया जाता है, उसका उद्देश्य होता है। बिल अगर हम देश में, देश के सर्वोच्च प्रजातंत्र के मंदिर में पारित करते हैं तो उसके उद्देश्य के पीछे क्या सोच है? ये किसानों के संदर्भ का बिल है, कृषि के संदर्भ का बिल है, उपभोक्ताओं के संदर्भ का बिल होना चाहिए। अगर उद्देश्य ये है तो क्या किसानों के हितों की पूर्ति, उपभोक्ताओं के हितों की पूर्ति, कृषि के क्षेत्र में बेहतर GDP में योगदान की स्थिति के निर्माण की पूर्ति, क्या इस बिल के माध्यम से ये सारी चीजें होंगी? कोई उद्देश्य तो होगा हमने अगर कानून लाया है। पहला कानून अगर आप देखें, AMPC के संदर्भ में आता है, मंडियां समाप्त होंगी, मंडियां समाप्त नहीं होंगी। हमने तो नहीं कहा कि मंडियां समाप्त हो रही हैं और व्यवस्था को आप ऐसा तोड़ रहे हैं कि मंडियों के माध्यम से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य
किसानों को मिलता है उसका रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। बात आती है कि कांग्रेस ने भी अपने 2019 के घोषणा पत्र में कृषि उपज की खरीदी के संदर्भ में बिंदु रखे थे। दो बिंदुओं का जो उल्लेख करते हैं वो बाकी 20 बिंदुओं का उल्लेख नहीं करते, 22 बिंदु थे। और कांग्रेस के भी उस घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख था कि मंडियों के साथ परिकल्पना ये थी कि किसानों को अपने खेत के लगभग 3 किलोमीटर, उदाहरण के लिए 3 किलोमीटर में खरीदी का ऐसा केंद्र मिले जहां वो उचित मूल्य में, न्यूनतम समर्थन मूल्य में अपनी कृषि उपज को दे सकते हैं। 60-60 किलोमीटर जाने की आवश्यकता ना पड़े, मंडियां रहें लेकिन विकेंद्रित स्वरूप भी उसका रहे। इन्होंने जो बिल पारित किया है उसमें एमएसपी का एक शब्द उल्लेख नहीं। जब आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने सहभागिता निभाई थी एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करने के लिए, जो है रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स। इसके पृष्ठ क्रमांक 19 में बिंदु क्रमांक 2(b), 1 और 3 में न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख है। (b)(1) में न्यूनतम समर्थन मूल्य हो इस बात का उल्लेख है। और मुझे भी आश्चर्य हुआ और शायद आपको भी आश्चर्य होगा कि बिंदु क्रमांक 3 में क्या लिखा था। वही नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे एक राष्ट्रीय वर्किंग ग्रुप के सहभागी बनके, बिंदु क्रमांक (b)(3) कहता है एनफोर्स एमएसपी। अभी जो खरीदी के रास्ते खोलने का प्रयास किया जा रहा है उसी के संदर्भ में ये है, एनफोर्स एमएसपी सिंस इंटरमीडियरीज प्ले अ वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट एंड एट टाइम्स दे हैव एडवांस कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर्स। ये जो कानून आया है उसका एक भाग ये है कि निजी कंपनियां, कॉरपोरेट्स अब खरीदी कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं रहेगी, कोई सीमा नहीं रहेगी, वो भंडारण कर सकते हैं। आप मंडी में जाते थे, सोसाइटी में जाते थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने का स्थान था, केंद्र था और वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होता था। अब कॉरपोरेट खरीदेंगे, कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है, मैं समझता हूं आप सबको किसी को आपत्ति नहीं होगी कोई कृषि उपज अगर खरीदे। आपत्ति किस बात की है? जिस बात को स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस वर्किंग ग्रुप में प्रस्तुत किया था, प्रधानमंत्री रहते हुए बिना मतदान के राज्यसभा में बिल जब पारित कराना ही था तो उन्होंने ये क्यों नहीं उसमें लिखा कि एनफोर्स एमएसपी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज, वी शुड प्रोटेक्ट फार्मर्स इंटरेस्ट बाय मैंडेटिंग थ्रू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, सुनिश्चित करिए कानूनी प्रावधानों के माध्यम से दैट नो फार्मर ट्रेडर ट्रांजैक्शन, कोई भी किसान और व्यापारी का आदान प्रदान न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे नहीं होगा। ये वही नरेंद्र मोदी, और आज वही नरेंद्र मोदी कैसा ये दृष्टिकोण बदल गया, क्या ये कानून किसानों के हित में बनाया गया या उन लोगों के हित में बनाया गया जिन्हें हम कॉरपोरेट कहते हैं। आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं लिखा? हमारा केवल ये बुनियादी हमारी आपत्ति है कि आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं सुनिश्चित किया जब आप इसके बारे में मुख्यमंत्री रहते हुए सोचा करते थे। आज प्रधानमंत्री और बहुमत, स्पष्ट बहुमत आपके पार्टी का है, एनडीए छोड़िए, और राज्यसभा में तो वोट लेने की जरूरत ही नहीं है, वोट ऑन अकाउंट करने में वोट डिवीजन की आवश्यकता ही नहीं है। आप हाथ उठवा के वोट
वॉइस वोट से आप पास करा लोगे, तो फिर आपने ये क्यों नहीं उसमें शामिल किया? अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होगा तो किसानों की हालत इतनी बिगड़ेगी कि आत्महत्याओं का जो सिलसिला है ये कई गुना बढ़ जाएगा। ये व्यवस्थाएं विदेश के अन्य देशों में लागू हैं, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। अमेरिका में किसानों का मृत्यु दर सामान्य मृत्यु दर से कितना है? 1.5 गुना ज्यादा। अमेरिका में किसानों की आत्महत्याओं का मृत्यु दर सामान्य आत्महत्याओं के मृत्यु दर से 1.5 गुना ज्यादा है। वहां के कॉरपोरेट्स पिछले 1.5 साल में बड़े पैमाने पे जो कृषि का काम करते हैं, बड़े पैमाने पे कंगाल हुए हैं। अमेरिका की सरकार को $28 बिलियन उनको सपोर्ट प्राइस देनी पड़ी। ये वहां के चल रहे उदाहरण हैं जो आप देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। आंख खोल के देखना चाहिए। एक देश का अनुभव हमारा वो लें, उनका हम देख सकते हैं, अपना सकते हैं। उनकी पद्धति हम अपना रहे हैं जब उनके हालात इस प्रकार के बने हुए हैं। ये आपत्तियां कांग्रेस ले रही है अन्य किसानों के साथ खड़े होके कि आप इस कानून को वापस लीजिए। मंडियों को आप हटाते हैं या मंडियों पे घात होता है। पंजाब जैसे राज्य में अकेले 5,000 करोड़ से ज्यादा के आमदनी का अंतर होता है। पीडीएस में 25% से ज्यादा अनाज शायद एक राज्य से आता होगा, 5,000 करोड़। मध्य प्रदेश में भी आपकी मंडियां काम करती हैं। मेरे से ज्यादा आप लोगों की इस बात की जानकारी होगी कि जो राशि आपकी मंडियों के माध्यम से एकत्रित होती है वो किस कार्य के लिए लगती है? क्या आप उसे पेंशन देते हैं कि नहीं? समाज में आर्थिक रूप से आखिरी पायदान पे खड़े लोगों को पेंशनों का आधार आप इसको बनाते हैं कि नहीं? कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अन्य बुनियादी कार्यों में इस पैसे को आप लगाते हैं कि नहीं? ये पैसा किस काम में उपयोग में आता है? तो जहां जीएसटी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को जिस तरह से आपने चलाया, 23.9% अगर जीडीपी कम होती है आपकी देखरेख में, उसका प्रभाव केंद्र पे ही नहीं राज्य सरकारों की आमदनी पे भी सीधे पड़ता है। वहां आप मंडियों की व्यवस्था पे घात करके राज्य के सरकारों का ऐसे कार्यों में, ऐसे सामाजिक उद्देश्यों में लगने वाली राशि को भी आप राज्यों से छीनने का काम कर रहे हैं। तो हर पैमाने पे आप अगर देखिएगा तो ये जो कानून बने हैं ये केवल उन बड़ी कंपनियां जो वॉलमार्ट हो, रिलायंस की ये आउटलेट्स हो, सुनते हैं कि और बड़े कॉरपोरेट्स हैं इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको समर्थन देने के लिए कि उनको खरीदी सुलभ हो जाए और उनकी दुकानें चल सके। आप सब देख रहे हैं कि बड़े रोज अखबार में छपता है इस कंपनी ने इसको भी टेक ओवर कर लिया, इसको भी टेक ओवर कर लिया, रिटेल का ये आउटलेट भी टेक ओवर कर लिया। तो ये कानून किसके लिए बना है? किसान के लिए कि कॉरपोरेट के लिए? किसान के लिए कि उपभोक्ता के लिए? आपने कहा इस कानून में कि दाम अगर बढ़ेंगे तो भैया 100 का 200 जब तक नहीं हो जाएगा ना, हम कुछ नहीं करेंगे। उपभोक्ताओं का आप संरक्षण करना चाह रहे हैं। ये पहली बार मैंने सुना या जाना अपने राजनीतिक जीवन में कि सरकार ने सुनिश्चित कर दिया कि आप तो खरीद लो 100 में और 200 में, बेचो आराम से, तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। कानून के तौर पर, मार्केट फोर्सेस की ये बात करते हैं, कानून के तौर पर आपने मुनाफाखोरों को, क्योंकि कोई लिमिट नहीं रहेगा सामान रखने पे, सामान एकत्रित करने की छूट, और 100 रुपए की सामान 200 रुपए तक जब तक ना हो जाए आप बेचो, कानून में आपने पारित कर दिया। मैंने इसके पहले ऐसा दूसरा उदाहरण देश में नहीं देखा कि कानून में आपने गारंटी दे दी कि 1 का 2, आज खरीदो कल दुगने में बेच लो, हम कुछ नहीं करेंगे। जब 200 हो, 1 होगा तब हम सोचेंगे, वरना केवल आपातकाल में सरकार बीच में आएगी। तो इस प्रकार की
व्यवस्थाएं इस कानून से जुड़ी हैं। संघीय ढांचे की बात होती है, क्या कृषि जो शेड्यूल 7 है हमारे संविधान का, जिसमें स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, सेंटर की लिस्ट है, क्या उसमें कृषि और उसका प्रबंधन राज्य के अंदर राज्य सरकारों के अधीन है कि नहीं? उसमें अंकित सरल क्रमांक 24 और 26 में क्या राज्य के अंदर कृषि उत्पादों को नियंत्रित करने का अधिकार राज्य सरकारों का है कि नहीं? आपने राज्य सरकारों के अधिकार को सुपरसीड करते हुए कंकरेंट लिस्ट की आइटम नंबर 33 में जो प्रावधान है उसका इस्तेमाल करके राज्य के अधिकारों को आपने कुठाराघात पहुंचाया। राज्यसभा में वोट की अब जरूरत नहीं है, राज्यों को उनके संवैधानिक अधिकारों के तहत कार्य करने की अब आवश्यकता नहीं है। अब केंद्र सरकार कानून बनाया करेगी और राज्य सरकारें आप अपने कमरों में बैठो, हम बताएंगे ये देश कैसे चलेगा। और संवैधानिक अधिकार, बुनियादी संवैधानिक अधिकार पे आप घात करोगे। सेंट्रल लिस्ट में कृषि के संदर्भ में बिंदु क्रमांक 42 में जो बात लिखी है कि अंतर राज्य आदान प्रदान पे रोक नहीं होगी, वो केंद्र रोक यानी केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। आज आप बताइए बाधाएं हैं क्या? मेरे ख्याल से मैंने नहीं सुना कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज ना जा रहा हो। एमएसपी की खरीदी की बात को छोड़ दीजिए कि मध्य प्रदेश का धान अगर छत्तीसगढ़ में आएगा तो हम लोग पिटा जाएंगे अगर सब खरीद लेंगे तो, वैसी बात को छोड़ के कि मध्य प्रदेश को एमएसपी में शायद अपना खरीदना चाहिए, बिहार को अपना खरीदना चाहिए, महाराष्ट्र को अपना खरीदना चाहिए, झारखंड को, उड़ीसा को, हर राज्य को एमएसपी में अपना खरीदना चाहिए, वैसी परिस्थिति को छोड़ के मेरी जानकारी में कहीं कोई बाधा कृषि के उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने का नहीं है। और इन परिस्थितियों में जो आप कानून ला रहे हैं पूरी तरह से किसान विरोधी, रोजगार विरोधी, किसान की माली हालत बिगड़ेगी तो किसान अपने खेत में कितने लोगों को लगा सकेगा, वहां मजदूरी का नुकसान, मंडियां अगर प्रभावित होंगी तो मंडियों में काम करने वाले मध्यम वर्गीय व्यवसायी, आढ़तिया, ठेका मजदूर लाखों की संख्या में, देश में अगर जाइएगा तो कई लाख हो जाएगा, करोड़ मत हो जाए, की संख्या में लोगों के रोजगार पे सीधा सीधा कुठाराघात होगा, प्रभाव होगा जहां उनको सुनिश्चित रोजगार मिल रहा है। और उपभोक्ताओं के संरक्षण में 100 की चीज 200 में खरीदने के लिए आप तैयार रहिए। तो ऐसे कानून को राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर ना करें पहल की गई थी, ऐसे कानून को वापस लेके न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करते हुए देश की सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। कॉरपोरेट से आप कह रहे हो कि हमारा किसान अग्रीमेंट करेगा, देश का 82.81% किसान 5 एकड़ से कम का मालिक, परिवार 1 एकड़ भी जमीन नहीं आएगी आदमी पीछे, 86.21%। छोटा किसान जब कॉरपोरेट से दस्तखत करेगा, अग्रीमेंट करेगा, वो अंग्रेजी की उन कंडिकाओं को पकड़ेगा क्या, पढ़ पाएगा, समझ पाएगा? मैं नहीं पढ़ता, मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि वो बिल जो आते हैं या ये मोबाइल है या फलाना है या ये, मैंने आज तक नहीं पढ़ा, खुदा न खास्ता केस नहीं हुआ है। आज केस का सिलसिला गुजरात के मुख्यमंत्री रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य में पेप्सिको ने किसानों के ऊपर केस ठोक दिया, किस बात का? कि उन्होंने लेस चिप्स के आलू का खेती कर दिया। अब वो किसान कोर्ट के चक्कर लगाएगा, ये शुरुआत है। पेप्सिको का उदाहरण मैं एक शुरुआत बतौर आपको बता रहा हूं कि एक छोटा सा उदाहरण है, और कहां का है माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको अपने राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का गहरा अनुभव था, 6 साल से ज्यादा आज प्रधानमंत्री के रूप में शायद उनके हो जा रहे हैं, और उन्होंने ऐसा कानून लाना उस किसान के हित में समझा जो जब कॉरपोरेट से अग्रीमेंट करेगा और कॉरपोरेट कहेगा कि तुमने तो फलाना शर्त कर दिया, तुम्हारा टमाटर का छिलका मोटा है पतला है हम नहीं लेते, तुम्हारा ये ऐसा है तुम्हारा वो ऐसा है, पहले उधारी में बीज देंगे, पहले उधारी में खाद देंगे, रेट अपने मन का तय करेंगे, एमएसपी की कोई सुरक्षा नहीं, और कोर्ट के चक्कर आप बाद में लगाते रहो। ये हैं परिस्थितियाँ, बहुत और बातें हैं लेकिन ये हैं परिस्थितियाँ इस कानून के संदर्भ में, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कि हमारी अध्यक्षा सोनिया जी के माध्यम से, राहुल जी के माध्यम से हम लोगों को भी निर्देशित हुआ कि राज्य में जाके आप इन बातों को मीडिया के माध्यम से आम जनों तक पहुंचाएं, और मैं विश्वास करता हूं कि जागरूक मीडिया जो आज प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए बहुत बड़े दायित्व को निभाने की भूमिका में है, वो अपनी भूमिका को निभाते हुए इन बातों को आम जनों तक जरूर पहुंचाएगी, लोगों को इस कानून के वास्तविक उद्देश्यों के बारे में जागरूक करेगी और अपने हक की लड़ाई के लिए आम जनों में वो संघर्षशीलता भी पैदा करेगी जिससे ये कानून वापस लिए जा सके। धन्यवाद। हर लेवल पे देखिए, हम अगर राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं तो हर हमारा कार्य का एक दृष्टिकोण राजनीतिक हो ही जाता है। अगर पार्टी के नाम पे हम पंजा छाप के माध्यम से अगर हम किसी बात को रख रहे हैं तो राजनीतिक अस्तित्व उसका अपने आप बन जाता है। लेकिन इशू क्या है? इशू किसान है, इशू MSP है, इशू मंडी है, इशू मंडी के शुल्क के माध्यम से होने वाले अनेकों समाज के हितकारी कार्य हैं। तो जो विरोध है वो इस बात का है कि लोगों में ये बात आनी चाहिए कि आपने कानून पारित कर दिया, वो लागू हो गया, पर ऐसा दबाव अगर बने लोगों के माध्यम से कि ये ठीक नहीं है तो वो वापस होना चाहिए। राष्ट्रपति अगर कांग्रेस के पास अगर सदन में सांसद कम है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि कल के दिन आप कहिए कि अब वोटिंग नहीं होगी। देश हमारा प्रजातांत्रिक संवैधानिक सीमाओं में बंधा हुआ एक देश है और उसमें जो भी कानून बनने चाहिए वो हितकारी होने चाहिए, वरना तो मेजोरिटेरियनिज्म हो गया, फिर आप क्यों जाना राष्ट्रपति अरे पार्लियामेंट में? जो पार्टी हार गई फिर घर बैठो, जो वहां पर है वो जो जैसा चाहे वो कर ले, जो मेजोरिटी में है इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है कि हम क्योंकि मेजोरिटी में जो हम करेंगे वो सही। विरोध इस बात का है कि इसमें बुनियादी बात न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर नहीं रहेगी, शांता कुमार कमिटी की रिपोर्ट को लागू करने का पहल करोगे तो उसमें 80,000 से 1,00,000 करोड़ रुपए, 80,000 से 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान किसानों को होगा। PDS का क्या होगा? मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोली, पर अगर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य में नहीं खरीदते हो तो उसका PDS का क्या होगा? व्यवसायी के पास अगर किसान को आपने भेज दिया, मंडी भी है किसान भी है, तो MSP वहां मिलेगी क्या व्यवसायी के पास से? नहीं मिल सकती। इसलिए सिस्टम जहां पर जो पदार्थ कृषि पदार्थ उस सूची में है न्यूनतम समर्थन मूल्य की, वो ऐसे माध्यम से खरीदे जाने चाहिए कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। मुझे लगता है कि कांग्रेस की ज्यादा सीटें आएंगी, उसमें रिपोर्ट मेरे पास जो आए हैं उसमें हम लोग तो दूर हैं, मैं तो वहाँ उस क्षेत्र में गया भी नहीं, लेकिन जो उड़ी हुई बातें आती हैं वो यही आ रही हैं कि जिन लोगों ने एक व्यक्ति को एक पार्टी के नाम पे वोट दिया आज फिर से जा रहे हैं तो लोग उसको नहीं स्वीकार कर पा रहे, एक बड़ा वर्ग।
यहाँ से जाके मैंने वहाँ टिकट ले लिया, वहाँ वालों का क्या होगा, ये सारी चीज तय करेंगे चुनाव के परिणाम। मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ लेकिन आप समझ लें। नहीं, वहाँ वहाँ कोई संभावना नहीं। सुधार हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। इशू क्या है? इशू न्यूनतम समर्थन मूल्य का। आपने कहा कि केवल 6% नागरिकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, तो क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य हटा देना चाहिए? आपका राय या कुछ लोगों का राय ऐसा हो सकता है। मेरी राय है कि बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य के वो किसान जो उसका लाभ पा रहा है बुरी तरह से प्रभावित होगा। आज छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 2500 रुपये धान के खरीदी को लागू किया न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर, और उसका अर्थव्यवस्था में और भी कारण हो सकते हैं। जब GDP 23.9% की गिरावट बता रहा है, जब GST कलेक्शन सब जगह नेगेटिव ग्रोथ बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ये रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार की इकाई के आंकड़े हैं, मेरी जानकारी के नहीं, उसके माध्यम से जानकारी है कि अकेले छत्तीसगढ़ ने अगस्त महीना पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 6% का ग्रोथ रजिस्टर किया। आप क्रय शक्ति अगर नागरिक की नहीं बढ़ाओगे, चाहे नाक ऐसे पकड़ो चाहे आप ऐसे पकड़ो, आप MSP हटा दो, मंडी हटा दो, सब कुछ हटा दो, पूरा आप पूरे बाजार को खुला कर दो, सब जो मन जो आपको इच्छा लगता है कर दो, लाभ नागरिक का कहां होगा जब उसकी जेब में पैसा जाएगा? तो किस माध्यम से नागरिक के किसान के जेब में पैसा जाएगा? मेरे राय में आज के दिन MSP से बेहतर माध्यम नहीं है जो मंडी भी है और कोऑपरेटिव भी। हमारे यहाँ मंडी के माध्यम से MSP में खरीदी नहीं होती, मैं मंडी की बात कर रहा हूँ, वहाँ हम लोग कोऑपरेटिव के माध्यम से खरीदते हैं। अध्यादेश में नहीं कहा गया, यही तो दुख है, बाद में कहा जा रहा है। उन्होंने कहा था ना कि 14% प्रोटेक्टेड रेवेन्यू GST का देंगे, आज ऐसा भरोसा टूट जाता है सरकार पे कि आप बोल क्या रहे हो, करोगे क्या, जब देश के प्रधानमंत्री स्तर पे, वरिष्ठतम मंत्रियों के स्तर पे कहा कुछ जाता है और होता कुछ और है, तो कहे हुए पे भरोसा नहीं है। MSP सिर्फ MSP, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध नहीं कर रहे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो मैंने पढ़ा प्रावधान वर्किंग ग्रुप का, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ही संदर्भ का था। जब मोदी जी भी उसके एक मेंबर थे मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने इस बात को और लोगों के साथ उसमें जुड़वाया कि किसान का और व्यवसायी का जब आदान प्रदान होगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित किया जाए। बस आप करो ना, आप बाजार में जाके किसी व्यवसायी के यहाँ भी बेचो, कोई दिक्कत नहीं। आज क्या होता है, मैं जाता हूँ गांव में, मैं जाता हूँ कभी दौरे में, तो मैं जाके साप्ताहिक बाजार में जब खड़ा होता हूँ तो वहां जाके देखता हूँ जिस बात को आपने भी कहा कि शोषण किस लेवल पे हो रहा है। बीच का व्यक्ति उसी धान को, हमारे यहाँ धान ज्यादा होता है तो मैं धान का उदाहरण दे रहा हूँ, 1200 रुपये में खरीदता है और फिर मेरे नाम पे जाके सोसाइटी में 1800 रुपये में बेचता है। ये सच्चाई है।
जो जितना छोटा भूमि स्वामी है उसका उतना ही ज्यादा शोषण हो रहा है और उसको उतनी ही ज्यादा मदद की आवश्यकता है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी आपने हटा दिया। एक तो गारंटी लीजिए सिस्टम की कि अगर हमने लेजे फेयर कर दिया या फ्री मार्केट इकोनॉमी कर दी तो वो बेहतर होगा। मुझे नहीं लगता है कि आज की परिस्थितियां देश में ऐसी हैं कि व्यवसाय को अगर हमने सारे नियंत्रण से छूट कर दिया तो आम आदमी का फायदा होगा। मुझे लगता है कि आज की जो हमारी देश की परिस्थिति है उसमें व्यवसायी को कहीं ज्यादा फायदा होगा, ना तो उपभोक्ता को ना तो उत्पादन करने वाले को लाभ मिले। बुनियाद न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाकी तो एपीएमसी का हमने भी लाया। 2019 का जो घोषणा पत्र बताया जा रहा है इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, उसको और बेहतर किया जाए, सिस्टम लोग और ज्यादा पहुंच सके। जो 1200 रुपए में धान बेचने वाला हमारा छोटा किसान है जो होल्डिंग पावर नहीं है उसकी, वो मंडी में जाके या सोसाइटी में जाके धान नहीं दे सकता, उसका पेमेंट हो सकता है कि एक महीने बाद आए, उसको तो आज चाहिए, उसका प्रोटेक्शन कैसे हो, उसको प्रोटेक्ट करिए, बाकी जो व्यवस्था बनाना है करिए। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य है तो सब ठीक है, कोई आपत्ति का सवाल ही नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है तो पूरी आपत्ति है। अगर कृषि राज्य सरकार का क्षेत्र है अपने राज्य के अंदर, मध्य प्रदेश की सरकार को कृषि का प्रबंधन करने का अपने राज्य के अंदर अधिकार है, आपने उसको ले लिया, केंद्र के कानून से आपने उसको सुपरसीड कर दिया, आपने राज्य सरकारों को कंसल्ट किया क्या? कई कानून बनते हैं तो आप कंसल्ट करते हो कि आपका हित किस में है, केंद्र और संघीय ढांचे में राज्यों के अधिकारों का बैलेंस कहां पर बनेगा, क्या हम करें क्या नहीं करें, आपने किया क्या? आपने नहीं किया, और आपने लागू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है। सोचना चाहिए इसमें, बड़ी दो राय हो गए हैं लॉकडाउन के संबंध में। एक लोगों का कहना है कि इसका लाभ नहीं मिलता, और ये सही है कि लॉकडाउन स्थायी हल नहीं है, लेकिन लॉकडाउन कोरोना के फैलाव को रोकता है कुछ समय के लिए, उसको जरूर उस पर प्रभाव पड़ता है, उसके फैलने पे निश्चित रूप से रोकता है। तो जब ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो जरूर लॉकडाउन पे विचार करना चाहिए, और मेरे राय में 10 दिन से कम नहीं होना चाहिए। आपने एक हफ्ते का लॉकडाउन अगर किया तो जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ उस दिन अगर कोई इन्फेक्ट हुआ तो सिम्टम्स आने में तो 5 दिन ऐसे ही लगते हैं, तो 5 दिन तक तो पुराने केस आपको पता चलेंगे। लॉकडाउन के अंदर का जो है सिलसिला, अगर 2 दिन माने 2 ही दिन का लॉकडाउन रहा, अगर 7 दिन का, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड अगर हमने 5 दिन का माना तो जिस दिन से लॉकडाउन लागू किया उसके परिणाम तो 5 दिन बाद पता चलेंगे, तो 7 दिन के लॉकडाउन के 5 दिन तो पुराने केस आएंगे। हो सकता है वो एक सरकार गिराने के चलते कोरोना फैला देश भर में भी, अब ये दुर्भाग्य होगा अगर मध्य प्रदेश में उसके दुष्परिणाम आएंगे। सर, रायपुर में आप लोगों ने लॉकडाउन लगाया है, लोग बिल्कुल सड़कों पे आ रहे हैं, बड़ी संख्या में सड़कों पे, तो क्या लोग साइकिल के लिए लगे हैं? साइकोलॉजिकल कुछ और इफेक्ट आ रही है? आप सही कह रहे हैं कि लोग इसकी गंभीरता को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। एक ये कहा गया कि यूथ को इसका असर सबसे कम होगा। आज देखिए कम से कम छत्तीसगढ़ के आंकड़े में 33% से ज़्यादा 20 से 40 साल की उम्र के लोग हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इम्यूनिटी ऐसी नहीं है कि आपको नहीं होगा, लेकिन एक शुरू में जब हमको इसकी जानकारियाँ नहीं थी तो कई व्यूज सामने आए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, प्रोटोकॉल बदलते गए। तो उसमें एक बात ये थी कि यूथ को कम असर पड़ेगा, तो यूथ अपना Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक,
ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।